का पता क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, जिनको शासन प्रशासन कानून ढूंढ रहा है उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? सर आप नाम? विजय मिश्रा। आप क्या हैं सर? अतिक अहमद के एडवोकेट हैं। अच्छा, उनके एडवोकेट हैं। सर अभी तक क्या दलीलें दी गई और अभी आपका क्या प्लान है सर? ऐसा कुछ नहीं प्लान है, न्यायालय के आदेश से इनको जनपद न्यायालय प्रयागराज ले जाया जा रहा है और 270/7 में उमेश प्रकरण में जजमेंट है कल उनका, उसी जजमेंट के लिए न्यायालय के आदेश से इनको प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अच्छा। और सर फैमिली में उनकी बहन है और उनकी बहन की बच्ची है। जी, फैमिली वो सब आपके साथ? तो आप लोग? हाँ जी, हमारे साथ हैं। उनको राजस्थान से आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जी जी। अरे सर, आप भी सर 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 अरे मोबाइल सर 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 एडवोकेट आप सीनियर मेरे हैं ना, सीनियर भाई सर, सीनियर है आपके सर। सर आप क्या उम्मीद है सर, क्या क्या डिसीजन क्या सर गलत आए थे, कुछ ऐसा कुछ है क्या जो आप इसमें? अभी नहीं, न्यायालय का ये मामला है, अब न्यायालय जाने का डिसीजन देता, न्यायालय के जजमेंट में कोई उंगली नहीं उठा सकता। न्यायालय जो भी जजमेंट देगा उसको सब सहमति से, नहीं अभी कहाँ, अभी पहले जजमेंट आ जाए उसके बाद फिर अपील करेंगे, अपील बेल जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए बना हुआ है कि अगर हमें न्याय सेशन और लोअर कोर्ट नहीं मिलता तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे। जी सर, ये किस लिए रोका गया है, क्या कुछ कारण बताया गया है? मैम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी जो जजमेंट आए उसमें आपका क्या सोच रहे हैं? जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था? जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है कुछ बताया? नहीं ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं, मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं। तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात मिलने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया, मिलने के लिए नहीं बोला। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम, अभी कुछ है परिवार वाले? कोई सब परिवार में कोई नहीं है, सब जेल में है, दोनों भाई मेरे जेल में है, दो भतीजे मेरे जेल में है। आपको न्यायालय से क्या उम्मीद है? दो मेरे नाबालिग बच्चों को 15 दिन एक महीना उसमें रखा बालगृह में, वो हम लोग ढूंढते रहे, बताया नहीं कहा है। जी जी, वो पेपर दे रहे थे 12th का एजम और अब 9th का पेपर दे रहा था, उनका साल खराब हो गया।